जानेंगे ओके पेज नंबर 42 ओपन कर लेंगे ना बोलो। यस मैम। माई कंट्री नेम इज इंडिया।
ओके आगे मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स से होता है स्मारक, आपको यहाँ पर ऐड करना था द ताजमहल इज अ पॉपुलर मॉन्यूमेंट्स, ताजमहल इज अ पॉपुलर मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स जो आपका प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन हो गया, ताजमहल जो प्रॉपर नाउन हो गया, ओके इसको आप लोग सही कर लेंगे, जितना नहीं राइट है राइट कर लेंगे, ओके ओके। द अंशु सुभांगी क्या बेटा उसका तो बेटा बोल रहे थे मैम, आपको यहाँ पे राइट करना है द ताजमहल इज द पॉपुलर मॉन्यूमेंट, द ताजमहल इज द ताजमहल इज द पॉपुलर मॉन्यूमेंट, ओके इंडिया इज माय कंट्री, यहाँ पे कहना था माय कंट्री नेम इज इंडिया, माय कंट्री नेम इज इंडिया, ओके यहाँ पे कंट्री जो है कॉमन वर्ड हो गया और इंडिया जो है प्रॉपर नाउन है इसमें। आगे देखिए यहाँ पे था जैस्मिन, जैस्मिन फ्लावर है ना, हेलो कमलापुरी आनंद वीडियो आप आपको यहाँ पे राइट करना था जैस्मिन, जैस्मिन का आपको इसमें प्रॉपर नाउन भी राइट करना है और कॉमन नाउन भी राइट करना है, जैस्मिन इज अ फ्लावर, जैस्मिन इज अ फ्लावर, यहाँ पे जैस्मिन आपका प्रॉपर नाउन हो गया, फ्लावर जो है कॉमन नाउन हो गया, ओके आज आ रहे सभी को ना आपको फ्रेंड भी और प्रॉपर नाउन भी, कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन दोनों आ जाए, फ्रेंड कॉमन नाउन है आपको फ्रेंड था, ओके वेदांत इज माई बेस्ट फ्रेंड, राइट करना था फ्रेंड पे, ओके आपको इसको भी कंप्लीट करना फ्रेंड्स पे एंड दिवाली करिए। कोई माइक नहीं ऑन करेगा अपना, क्या हम देखते हैं क्या पढ़ना है हम लोगों को, आज पढ़ना राइटिंग जंक्शन, रीड दी सेंटेंसेज, सबको बुक दिख रही बेटा सुभांगी, माइक ऑन करके बोलिए सुभांगी। यस मैम, मैम लूलू हैज अ पेट एलिफेंट नेम्ड लूलू, मिसेस लूलू हैज अ स्मॉल क्यूट एलिफेंट नेम्ड। ओके सेंटेंस में राइट है यहाँ पर लिटिल लूलू हैज अ पेट एलिफेंट नेम एमली, जो लिटिल लूलू थी उसके पास से एक पेट एनिमल था जिसका नेम था लूलू, ओके लिटिल लूलू हैज अ स्मॉल क्विक एनिमल्स, बेटा आवाज आ रही है ना, यस मैम यस मैम। फर्स्ट सेंटेंस देखिए लिटिल लूलू हैज अ पेट एनिमल्स एलिफेंट नेम एमली, जो फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे राइट है
लिटिल लुलु हैज अ पेट एलिफेंट नेम एमली. लिटिल लुलु के पास एक पालतू हाथी था जिसका नाम क्या था? एमली. लिटिल लुलु हैज अ स्मॉल. अच्छा आवाज आ रही ना? आदित्य यादव आवाज आती है. लुलु हैज अ स्मॉल क्यूट एनिमल नेम एमली. जो लिटिल लुलु है उसके पास एक छोटी सुंदर सी हाथी, इसका नाम क्या? एमली है. ओके आगे देखिए द फर्स्ट सेंटेंस टेल अस दैट लुलु हैज अ पेट एलिफेंट नेम एमली. जो पहला सेंटेंस है इसमें देखिए द फर्स्ट सेंटेंस टेल्स, जो फर्स्ट सेंटेंस बता रहा है दैट लुलु हैज अ पेट एलिफेंट नेम एमली, की जो लुलु है उसके पास एक पालतू हाथी है जिसका नाम क्या है? एमली है. ओके तो जानवी आप क्या करो, सही से बैठो. जानवी सही से बैठिए. आगे देखिए द सेकेंड सेंटेंस डिस्क्राइब द एलिफेंट. जो सेंटेंस है वह एलिफेंट को डिस्क्राइब कर रहा है, जो एमली है उसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है कि जो एलिफेंट है वह कैसी है. ओके लुलु कैसी है? अनन्या टेल. अनन्या लुलु कैसी है? माइक ऑन करके बोलिए. उसकी विशेषता क्या है लुलु की? सॉरी लुलु की नहीं, एमली. एमली की. एमली एमली एक छोटी सी एमली एक छोटी सी हाथी है मैम. वो अपना अपने मैम फ्रेंड बनाना चाहती है. बेटा यहाँ पे जो एमली है उसकी विशेषता है कि वह स्मॉल है और क्या है? बहुत ही सुंदर है, क्यूट है. ओके स्मॉल है, क्यूट है. जो एमली एलिफेंट है वह बहुत ही छोटी है और सुंदर है. उसकी विशेषता है, किसकी विशेषता? एमली की विशेषता है कि वह छोटी है और सुंदर है. तो फर्स्ट सेंटेंस जो है बता रहा है एमली एलिफेंट के बारे में कि एमली का नाम एलिफेंट है, जो एलिफेंट है उसका नाम एमली है. ओके तो सेंटेंस सेकेंड सेंटेंस बता रहा है कि एलिफेंट कैसी है, जो एमली है कैसी है. ओके फर्स्ट सेंटेंस आपका है, फर्स्ट सेंटेंस इज कॉल्ड अ टेलिंग सेंटेंस. जो फर्स्ट सेंटेंस है टेलिंग सेंटेंस बोलते हैं. ओके एमली के बारे में कहा जा रहा है. एंड द सेकेंड सेंटेंस इज कॉल्ड द सोइंग सेंटेंस. जो सेकेंड सेंटेंस है लिटिल लुलु हैज अ स्मॉल क्विट एलिफेंट नेम एमली, यह जो है क्या है? सोइंग सेंटेंस है. आवाज आ रही सभी को ना? यस. ओके स्विंग सेंटेंस यूज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दैट एंड डिटेल्स टू क्रिएट अ पिक्चर. जो स्विंग सेंटेंस होते हैं वे टेलिंग सेंटेंस को डिस्क्राइब करते हैं. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का यूज करके उसको डिस्क्राइब किया जाता है. टेलिंग सेंटेंस को हम स्विंग सेंटेंस बोलते हैं. ओके जो टेलिंग सेंटेंस को डिस्क्राइब करते हैं उस सेंटेंस को स्विंग सेंटेंस बोलते हैं. इसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड का यूज होता है उसकी विशेषता बताने के लिए. जैसे यहाँ पर है लिटिल लुलु हैज अ पेट एलिफेंट नेम एमली. लिटिल लुलु हैज अ स्मॉल क्विट एलिफेंट नेम एमली. ओके फर्स्ट सेंटेंस है वह टेलिंग सेंटेंस है और जो सेकेंड सेंटेंस है स्विंग सेंटेंस है. तो कौन जा रही बेटा? जी आगे देखिए
इट कैन आल्सो डिस्क्राइब फीलिंग एंड स्टेट. जो स्विंग सेंटेंस होते हैं वो क्या क्या डिस्क्राइब करते हैं? कलर को भी डिस्क्राइब करते हैं, साइज को भी और शेप को भी. इट कैन आल्सो डिस्क्राइब फीलिंग एंड टेस्ट. और ये फीलिंग को भी डिस्क्राइब करते हैं, टेस्ट को भी डिस्क्राइब करते हैं, जो स्विंग सेंटेंस है. अपना अनम्यूट मत करना. बाबा कल इतनी जान दी तो चांद आप रिमूव कर देंगे भी यहाँ से. हम अनम्यूट करोगे म्यूट ही रहना. आपके साथ आवाज आती है तो कोई म्यूट नहीं करेगा और अनम्यूट नहीं करेगा अपने आप को. म्यूट ही रहना कि बाबा अंदर कर लेते हैं. स्विंग सेंटेंसेस कैन डिस्क्राइब कलर साइज एंड शेप. जो स्विंग सेंटेंस होते हैं वे कलर को डिस्क्राइब करते हैं, साइज को, शेप को. इट कैन आल्सो डिस्क्राइब फीलिंग एंड टेस्ट. ये फीलिंग को भी डिस्क्राइब करते हैं और टेस्ट को भी डिस्क्राइब करते हैं. जैसे एग्जांपल यहाँ पर है, द बिल्डिंग इज ह्यूज. ये बिल्डिंग है बहुत बड़ी है. ओके यहाँ पर होता है टेलिंग सेंटेंस. कौन सा सेंटेंस है? टेलिंग सेंटेंस. सिस्टर सरियान क्या कर रहे हो? जान दी अपने मुख कर अभी यहाँ से. हम वैसे बैठ नहीं पा रहे हो आप. A huge building looks like a giant among the small houses. जान भी सही से बैठो. A huge building looks like a giant. The giant, okay? Giant among the small houses. जो building है, बड़ी सी building है, वह छोटे घरों के बीच में बहुत ही विशाल दिख रही है. ओके विशाल. जो बड़ी सी बिल्डिंग है वह छोटे घरों के बीच में बहुत ही विशाल दिख रही है. ओके तो यहाँ पे जो सेंटेंस है, द ह्यूज बिल्डिंग लुक्स लाइक अ जायंट अमंग द स्मॉल हाउसेस, ये आपका हो गया स्विंग सेंटेंसेस. ओके पहला आपका है टेलिंग सेंटेंस और दूसरा है स्विंग सेंटेंस, क्योंकि यह जो है बिल्डिंग को डिस्क्राइब कर रहा है. ओके बिल्डिंग कैसी है? इतनी अच्छी है कि वह जो छोटे हाउस घरों के बीच बहुत ही विशाल दिख रही है, जायंट दिख रही है. ओके जायंट से थोड़ा विशाल या बड़ा. आई वॉज सील्ड. मैं रोमांचकारी हो गया था. आई जंप अप एंड डाउन विथ एक्साइटमेंट. मैं जंप किया ऊपर नीचे उत्तेजना के साथ. उसके जंप करने लगा. ओके उत्तेजित हो गया उसके जंप करने लगा. जंप करने लगा. यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेंटेंस आपका है टेलिंग सेंटेंस और सेकेंड सेंटेंस स्विंग सेंटेंस. ओके था कि मैं जंप करने लगा खुशी से एक्साइटमेंट से आके जंप करने लगा चलने कूदने लगा. जानती अनम्यूट मत करना. आपके बहुत आवाज आती है. क्या कर रहे हैं? करिए माइक नहीं ऑन करेगा अपना. जानती म्यूट करिए. स्विंग सेंटेंसेस कंपेयर
वन थिंग विथ अनदर, जैसे ही सेंटेंस होते हैं वो एक चीज का दूसरी चीज से कंपेयर करते हैं, ओके तुलना करते हैं। सो इन सेंटेंस जो है एक चीज का दूसरी चीज से तुलना करते हैं। जैसे यहाँ पर है एग्जाम्पल, रिया है साइनी आईज, जो रिया है उसके पास कैसी आंखें हैं, चमकीली आंखें हैं, साइन मीन्स चमकीली चमकने वाली, रियास आईज साइन ब्राइटली लाइट स्टार इन द स्काई, जो रियाज है उसकी आंखें इतनी चमकीली हैं जिस तरह से तारे स्काई में चमकते हैं, जैसे आसमान में तारे चमकते हैं वैसे ही रिया की आंखें चमकती हैं। ओके यहाँ पे रिया की आंखों की विशेषताएं बताई जा रही है, उसकी तुलना की जा रही है स्टार से, तारों से उसकी तुलना की जा रही है, रिया की आंखों की तुलना तारों से की जा रही है। सितारे जो है आसमान में चमकते रहते हैं ना, वैसे ही रिया की आंखें चमकती हैं। आपका टेलिंग सेंटेंस है ऊपर का, रिया हाय साइनी आईज, और सेकंड सेंटेंस रियास आईज साइन ब्राइटली लाइट स्टार इन द स्काई, जो रिया है उसकी आंखें स्टार की तरह दिखती हैं, सिर्फ स्टार जो है आसमान में चमकते हैं वैसे इसकी आंखें भी चमकती हैं। ओके आगे देखिए, द बेबी मेरा आवाज जा रही है ना, द बेबी इज क्यूट, द बेबी इज क्यूट, बेबी जो है बहुत ही सुंदर है, द बेबी इज आइस क्यूट आइस कॉटन कैंडी। अब देखिए बेबी की से तुलना की जा रही है कॉटन कैंडी से, कॉटन कैंडी आपने देखा है कॉटन कैंडी, कितने लोगों ने देखा है कॉटन कैंडी, हैंड्स ऑफ करिए कॉटन कैंडी, कितने लोग जानते हैं कॉटन कैंडी, यस अनंधर माय कॉन्ग्रेस, बोले कॉटन कैंडी आपने कहाँ देखा है, क्या यूज है इसका कॉटन कैंडी क्या करते हैं, कॉटन की तरह दिखता है बिल्कुल ना, मुलायम सा वो सॉफ्ट होता है, बहुत ही सॉफ्ट है कॉटन की तरह, कॉटन कैंडी की तरह इतना सुंदर है। ओके तो ठीक है आपने माइक ऑन कर लिया अपना, आदित्य राज आवाज आती है, आप लोग अनम्यूट क्यों हो जाते हो बार बार, आदित्य राज म्यूट करिए अपने आपको, बेबी है उसकी तुलना की जा रही है कॉटन कैंडी से। ओके बेबी की तुलना कॉटन कैंडी से की जा रही है, क्या के देखिए उसको कंप्लीट करना अपनी बुक में, अभी रीड द पेयर ऑफ सेंटेंसेस गिवन बिलो, फॉर ईच पेयर राइट एस if it is a showing sentences or t if it is a telling sentences, आपको यहाँ पे अगर telling sentence है तो यहाँ पे आपको t write करना है, अगर showing sentence है तो आपको s write करना है। ओके हर्षित 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 माइक ऑन करिए, यस मैम, आपको टेलिंग सेंटेंस एंड सोइंग सेंटेंस समझ में आ गया, बोलिए बेटा आ गया वेदांत आपको, ओके जो टेलिंग सेंटेंस होते हैं क्या बताते हैं, हमें बताते हैं कि सेंटेंस किसके बारे में है। ओके और जो सोइंग सेंटेंस होते हैं उस उसकी विशेषता को बताते हैं, टेलिंग सेंटेंस को डिस्क्राइब करते हैं, स्विंग सेंटेंस होते हैं। यहाँ पे आपको राइट इसको सॉल्व करना है, फर्स्ट है अजय मार्च इनटू का रूम वेयरिंग अ फ्रॉन ऑन हिज फेस, अजय जो है कमरे में मार्च करते हुए चल रहा है अपने चेहरे पर नाराजगी लेकर, उसके चेहरे फेस पे
बहुत नाराजगी है। यहाँ पे तो कौन सा सेंटेंस है, कोई सेंटेंस टेलिंग सेंटेंस? टेलिंग सेंटेंस, स्वइंग सेंटेंस। ओके, क्योंकि कहा जा रहा है कि अजय जो है, अजय किसको डिस्क्राइब किया जा रहा है? अजय जो है गुस्से में है, नाराज है वो, और रूम में मार्च कर रहा है। यहाँ पे आप लोगों को स्वइंग सेंटेंस, यहाँ पे आपको एस राइट करना है बॉक्स में। ओके, आगे देखिए। अजय वॉक इज एंग्रली, अजय जो है गुस्से से टहल रहा है। अब बताइए यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है? टेलिंग सेंटेंस, यहाँ पे टी राइट करना है। इसलिए कहा जा रहा है गुस्से में है। अब गुस्से में कैसा लगता है आपको, यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस बताया जा रहा है गुस्से में कैसा लगता है। तो गुस्से में उसके फेस से देखिए दिख रहा है कि बहुत गुस्सा गुस्से में है वह, और टहल रहा है अपने रूम में। यहाँ पे आपका स्विंग सेंटेंस है और यहाँ पे आपका टेलिंग सेंटेंस है। यहाँ पे आप लिखना एस, यहाँ पे लिखना टी। आगे देखिए, इट वॉज अ विंडी डे। विंडी डे मीन्स होता है दिन जो हवा रात दिन है, मतलब अच्छी से हवा चल रही है। ओके, टेलिंग सेंटेंस, गुड। अश्विनी देखिए, द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज, जो ट्रीज की शाखाएं हैं, स्वेड हिल रही है, लाइक काइट्स, जैसे कि पतंग हिलता है, इन द स्काई, बादल में जैसे पतंग जो है उड़ता है, वैसे ही पेड़ की शाखाएं हिल रही हैं। तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है? गुड, यहाँ पे आप राइट करना एस। ओके, आगे देखिए, द क्रंची चिप्सी कोल्ड मिल। अब यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है, इसको बताएंगे श्रियांग। यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है, टेलिंग या सोइंग? श्रियांग, मैम सोइंग सेंटेंस। गुड, आगे देखिए, द सेरल्स टेस्ट नाइस विथ मिल्क। यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है? मैम टोइंग, टेलिंग सेंटेंस, यहाँ पे टी राइट करना है। माय नोज इज रनिंग, मेरी नाक दौड़ रही है, एंड लुक्स रेड लाइक अ टोमेटो, जैसे टोमेटो की नाक दिख रही है। इसमें नोज का जो कंपेयर किया गया टोमेटो से, मेरी नोज जो है दौड़ रही है जैसे कि टोमेटो। देखिए, आई हैव, बेटा आवाज आ रही है ना? यस मैम। आई हैव सेवर कोल्ड, आई हैव सेवर कोल्ड, मुझे गंभीर ठंडी लग रही है। तो जैसे आपको जुकाम होता है वैसे ही, जैसे आपकी नोज जो है वो ज्यादा रेड हो जाती है, होती है ना जुकाम में, टमाटर के साथ रेड रेड, इसलिए उसकी तुलना जो है टमाटर से की गई है, नोज की तुलना। यहाँ पे आपका होगा स्वइंग सेंटेंस, यहाँ पर होगा टेलिंग सेंटेंस। आगे देखिए, हर आईज सो लाइट लाइक स्टार्स इन द नाइट स्काई, हर आईज सोन उसकी आंखें चमक रही थी, लाइक स्टार, जैसे कि तारे चमकते हैं, नाइट स्काई, रात में आकाश में तारे चमकते हैं, वैसे उसकी आंखें चमक रही थी। बताइए कंचन से कौन सा सेंटेंस है? कंचन, यू टेल। कंचन, माइक ऑन करके बोली से कौन सा सेंटेंस है फर्स्ट में? हर आईज सोन लाइक स्टार्स इन द नाइट स्काई, उसकी आंखें जो है चमक रही थी जैसे रात में आकाश में तारे चमकते हैं। अनुष्का, यू टेल।
Showing sentence, okay? तो किसने देखिए इसका आंखों की तुलना की गई स्टार से, जैसे स्टार चमकते हैं वैसे ही आंखें चमकती हैं, उसकी आंखें चमकती हैं, एक गर्ल है उसकी आंखें चमकती हैं। हर आईज वेयर ब्यूटी वर ब्यूटीफुल, हर आईज वर ब्यूटीफुल, उसकी आंखें बहुत ही सुंदर है। क्योंकि उसकी आंखों के बारे में बताया गया है कि उसकी आंखें बहुत सुंदर हैं, तो हर आईज वर ब्यूटीफुल। और इस सेंटेंस में उसकी आंखों की तुलना की गई है तारों से, तो यहाँ पे होगा सोइंग सेंटेंस। ओके, ब्यूटीफुल मॉर्निंग, इट वाज अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है? सोइंग सेंटेंस। मॉर्निंग है, बहुत ही सुंदर सुंदर थी, जो सुबह थी बहुत ही सुंदर थी। द सन कलर द स्काई अ वार्म गोल्डन एज इट पीप्ड ओवर द हॉरिजन। ओके, जब सन देखो निकल रात में, जो सन जो है टूटता है, कलर द स्काई, तो स्काई में देखिए स्काई कलर हो जाता है, गोल्डन कलर में दिखता है ना। यस मैम, सन जो है इससे झांकता है, तो आसमान जो आसमान है वह गोल्डन कलर का दिखाई देने लगता है, तो यहाँ पे होगा सोइंग सेंटेंस। ओके, आप मुझे उसको कंप्लीट करना अपनी बुक में। ओके, सभी को होमवर्क करके सबमिट करना है, इसको भी करना, और जो पहला बेटा क्या बेटा भेजना है, हाँ अभी इसको भेजना है, फसल इंड होने के बाद आप इसको भेजना, अभी हम सेंड कर देंगे, बस आपको सबमिट करना बुक में ही। ओके, बेटा आप लोगों को जब लगे कि आपके ऐसे आवाज आती है तो आप लोग को म्यूट अपने आप म्यूट कर लेना चाहिए। ओके, बाबा बोलना मत करो, जैसे यहाँ पे वो है जानवी, बाबा म्यूट होके बातें करने लग रही थी, आज क्या था आवाज आ रही थी, आपको लगे कि आपके यहाँ से आवाज आती है, आप लोग पहले से म्यूट कर लो अपने आप को। ओके, गुड बाय स्टूडेंट, मैम गुड बाय।